हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों को तीन चीज पढ़ना है, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा इरिगेशन और तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके, इरिगेशन पढ़ चुके और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स जनरली तीन तरह का होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही समय में एक ही फील्ड में उगाना। इसका एग्जाम्पल है वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। मतलब अगर हम गेहूं और चना को एक ही समय में एक ही खेत में उगाएंगे तो इस तरह के क्रॉपिंग को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। मतलब हम एक समय में दो फसल उगा रहे हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो सारा फसल खराब होने का जो रिस्क है ये कम जाता है। जैसे अगर गेहूं खराब हुआ तो चना बच जाएगा और अगर चना खराब हुआ तो गेहूं बच जाएगा। सेकंड है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का भी मतलब होता है एक ही फील्ड में एक ही समय में दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो कराना, लेकिन ये एक डिफिनेट पैटर्न में ग्रो कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो रो के बीच में, दो सेम टाइप के रो के बीच में एक अलग क्रॉप को ग्रो करा दिया जाता है। मिक्स क्रॉपिंग में होता है कि जो दोनों क्रॉप है उसका मैच्योरेशन पीरियड सेम होता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में जो दोनों क्रॉप है उसका मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग होता है और उनका न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इंटरक्रॉपिंग के लिए सोयाबीन एंड मेज को चूज किया जाता है, बाजरा एंड लोबिया को एक साथ चूज किया जाता है। बाजरा को न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन बहुत चाहिए, लेकिन लोबिया को नाइट्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि लोबिया लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसी तरह से सोयाबीन एंड मेज में सोयाबीन लेग्यूमिनस प्लांट है। ये जो इंटरक्रॉपिंग है ये नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज करता है। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब लैंड, वाटर, सनलाइट। इंटरक्रॉपिंग पेस्ट एंड डिजीज भी नहीं होने देता है। साथ ही साथ रिटर्न भी दोनों क्रॉप का बहुत अच्छा होता है, मतलब दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। सो ये तीन एडवांटेजेस है इंटरक्रॉपिंग का। ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पे बिना किसी पैटर्न का दो तीन तरह का प्लांट एक साथ उगा दिया गया है। ये है इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है, एक रो वीट का है तो दूसरा रो लेग्यूमिनस प्लांट का। थर्ड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में एक ही समय में एक ही फील्ड में एक ही तरह का क्रॉप ग्रो कराया जाता है, लेकिन एक सीजन खत्म हो जाने के बाद दूसरे सीजन में दूसरे तरह का क्रॉप ग्रो कराया जाता है। दैट मीन्स क्रॉप का रोटेशन कराया जाता है, वो भी एक प्री प्लांट वे में। इसको कहते हैं प्री प्लांट सक्सेशन में क्रॉप को ग्रो कराना। और कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है वहां के वाटर अवेलेबिलिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर एक सीजन में मेज उगाता है तो दूसरे सीजन में मस्टर्ड उगाता है। और भी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। अगर क्रॉप रोटेशन अच्छे से किया जाए तो फार्मर एक साल में दो तीन क्रॉप उगा सकता है, वो भी अच्छे हार्वेस्ट के साथ में। ये था क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।